हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं दिखाने वाला हूं बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान का घर। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान का घर आप लोग को आज इस वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि दो दिन पहले ही उनके बर्थडे था तो उस दिन मुझे आने को टाइम नहीं मिला। तो फिलहाल आज मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि उनके घर कैसा है और वहाँ का माहौल क्या है, सब कुछ दिखाएंगे गाइड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, मैं हूँ अभी मुंबई के बांद्रा बेस्ट बैंड स्टैंड रोड पर, और चलिए आज आप लोग को दिखाएंगे बॉलीवुड के एक्टर शाहरुख खान का घर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान का घर। आप देख सकते हैं गाइस कि मैं अभी हूँ उनके घर के सामने। आप देख सकते हैं ये है उनके घर का नज़ारा, और ये जो मेन गेट दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मन्नत, जो कि उनके घर का नाम है मन्नत, और एक साइड में लिखा हुआ लैंड सैंड, उनकी बांद्रा बैंड सैंड में स्थित है इनका घर। आप देख सकते हैं ये है 200 करोड़ का बंगला, जो कि इसी घर में शाहरुख खान जी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं। जो मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने पब्लिक आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर देखिए हर दिन इससे ज़्यादा भी गर्दी रहता है। अभी है दोपहर का टाइम, इसलिए फिलहाल कम ही लोग हैं। जब आप शाम के टाइम आएंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्दी रहता है शाहरुख खान का घर देखने के लिए। तो ये है उनका घर मन्नत, जो कि बांद्रा के बैंड स्टैंड रोड पर स्थित है, और इसी घर में अपने पूरे फैमिली के साथ यहाँ पर रहते हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में उनका बर्थडे था 2 दिन पहले, तो उस दिन मुझे टाइम नहीं मिला यहाँ पर आने के लिए बिकॉज कुछ काम की वजह से। अभी मैं आया हूँ तो आप देख सकते हैं आज है सोमवार और यहाँ पर गर्दी फिलहाल कम है, ज़्यादा पब्लिक नहीं है। आप देख सकते हैं ये है पूरा उनके घर के सामने का नज़ारा, और ये सामने समुद्र है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर देखेंगे तो उनके घर के बैक साइड का एरिया दिखाई देगा। ये जो रोड गए इनके घर के पीछे साइड का नज़ारा यहाँ से दिखाई देगा, और यही है शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान का घर। आप देख सकते हैं जहाँ पर डेली के 500 से 1000 लोग आते हैं उनके घर को देखने के लिए। तो ये है बैंड स्टैंड का नज़ारा, और ये है रोड, जो कि सीधा रोड के सामने ही उनका मेन गेट है, यहाँ से ही उनकी एंट्री होती है और आते और जाते हैं इसी गेट से। और यही देखिए गेट पर लिखा हुआ है मन्नत, जो कि यहाँ पर जो नेम प्लेट लगा हुआ है वहाँ पर काफ़ी पब्लिक जाके अपना फोटो और वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, बॉलीवुड में एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे महान अभिनेता जिन्होंने उनके घर देखने के लिए डेली के 500 से 1000 लोगों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई होती है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एटलीस्ट 20 से 25 लोग खड़े हुए हैं, बाकी लोग पीछे खड़े हुए हैं। तो उनका ये देखिए सिक्योरिटी गार्ड, जो कि यहाँ पर हमेशा 24 आवर्स ये लोग यहाँ पर तैनात रहते हैं ताकि, और ये है बैक साइड का नज़ारा, देख सकते हैं सीधा अरब सागर यहाँ से दिखाई देता है। अगर उनके घर के ऊपर से जो देखेंगे तो पूरा समुद्र का नज़ारा ही आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा। ये देख सकते हैं अभी 2 दिन पहले उनका बर्थडे था, तब यहाँ पर ये पुलिस वालों ने जो लाके लगाए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी पर्पज से। और ये है उनके घर के सामने का नज़ारा, ये मेन गेट देख सकते हैं, जो कि आप काफ़ी वीडियो और फोटोज़ में देखे रहेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। यहाँ पर देखिए मन्नत, और एक साइड में देखा लैंड सैंड। तो ये देखिए यहाँ पर फोटो और वीडियो शूट कर रहे हैं पब्लिक। ये देखिए सिक्योरिटी साहब उनको यहाँ पर खड़े होने नहीं दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर हमेशा यहाँ पर तैनात रहते हैं लोग। ये जो रोड दिखाई दे रहा है, अगर ये रोड से सीधा आगे जाएंगे तो आप लोग को दिखेंगे वहाँ पर वर्ली बांद्रा जो सीलिंग है वहाँ से दिखाई देगा, और आगे ताज होटल है, जो कि ताज लैंड सैंड जो होटल है 5 स्टार होटल, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। ये देख सकते हैं जो कॉर्नर में जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यही है ताज लैंड सैंड 5 स्टार होटल, जो कि मुंबई के बांद्रा में स्थित है, बांद्रा बैंडेश्वर रोड पर स्थित है। सो ये जो VIP गाड़ी जो जा रही है, ये पूरा वहीं पर जाती है, ये लास्ट एंड वही है, जो कि लैंड सैंड जो कहते हैं वही है, और बांद्रा जो ताज लैंड सैंड होटल है वो सामने दिखाई दे रहा है, और वहाँ पर काफ़ी VIPs लोग डेली का आते और जाते हैं। सो ये देख सकते हैं यहाँ से उनके घर कैसा दिखाई दे रहे हैं। देखिए सामने जो कांच की तरह जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यही है उनका 400 करोड़ का बंगला, जो कि इसी घर में अपने पूरे परिवार के साथ शाहरुख खान जी रहते हैं। इनका घर एक दुबई में भी है, जो कि मोस्ट टाइम यहाँ पर बाकी टाइम वहाँ पर भी रहते हैं। तो आप लोग काफ़ी टाइम देखते होंगे वहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर कि शाहरुख खान का जो मुंबई का घर है वो, और जो दुबई का घर है वो, तो सब कुछ देखे होंगे आप लोग। और ये है जो मैं अभी मुंबई का घर है, मैं वहाँ पर हूँ उनके घर के सामने, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। सो ये है देखिए यहाँ पर जो कितनी खूबसूरत बनाया गया है, ये देख सकते हैं जो जाली टाइप का बनाया गया है, जो अपने बर्थडे के टाइम शाहरुख खान यहाँ से ही निकलते थे पब्लिक को देखने के लिए, और यहाँ पर ही काफ़ी लाखों में भीड़ होती है भाई जब उनका बर्थडे होता है उन्हें देखने के लिए। ये जो सामने देख रहे हैं लोकल का जो बनाया गया है, यहीं पर वो खड़े रहते हैं, खड़े होकर अपना हाथ दिखाते हैं, पब्लिक को मिलते हैं। लेकिन इस बर्थडे को उन्होंने घर से बाहर नहीं निकला था, क्योंकि आप सभी को पता है जैसे कि बॉलीवुड में थोड़ा कुछ झगड़ा का माहौल चालू है, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकले थे, क्योंकि उनको जो सेफ्टी के साथ यहाँ पर पुलिस तैनात थी वो टाइम पे। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी
उनकी सुरक्षा व्यवस्था का सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। ये देख सकते हैं, यही वो घर है जहाँ पर अपने फैमिली के साथ रहते हैं। सामने से देखेंगे तो आप लोग, काफी खूबसूरत ये घर है, जो कि 400 करोड़ का बंगला आप देख सकते हैं, इसी कांच की जैसा दिखाई दे रहा है। इस बिल्डिंग में अपने पूरे परिवार के साथ शाहरुख खान जी यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे तो सीधा समुद्र का नज़ारा दिखाई देता है। और उनकी अगर बिल्डिंग से बात करें देखने के लिए, तो पूरा अरब सागर यहाँ से दिखाई देता है। ये है बैंडेस्टर रोड का नज़ारा, और यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। अगर आप शाम के टाइम पर आएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सोना और काफ़ी सुनहरा माहौल जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो समुद्र का किनारा है, यहाँ पर अभी दोपहर का टाइम है इसलिए पब्लिक कम है। अगर आप शाम को आएंगे तो यहाँ पर पूरा क्राउड रहता है भाई, ये जो चौपाटी यहाँ पर देखने के लिए। और मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पर आते हैं शाम के टाइम पर। आज है सोमवार, तो यहाँ पर संडे के दिन अगर आप आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा पब्लिक दिखाई देंगे यहाँ पर। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि अगला नोटिफिकेशन हमारा सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को यहाँ पर ही करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।